जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र में दहेज न मिलने पर तीन तलाक देने का मामला सामने आया। आरोपियों ने पहले दहेज के लिए मारा पीटा, फिर भी दहेज नहीं मिला तो महिला को घर से निकाल दिया। इसके बाद पति ने फोन करके तीन तलाक दे दिया। पीड़िता का कहना है कि स्थानीय थाने पर सूचना दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने SSP से लिखित शिकायत की लेकिन अभी तक आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। SSP को दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक रानी मऊ गांव निवासी स्वर्गीय मुजीबुर रहमान की पुत्री आयशा खातून का निकाह 6 साल पहले मानिकला गांव के आरिफ उर्फ मल्लू के साथ हुआ था। पीड़िता आयशा के मुताबिक निकाह के कुछ महीने बाद ही पति, सास और देवर समेत ननद और नंदोई ने उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पीड़िता का कहना है कि मांग पूरी न किए जाने पर आरोपियों ने मिलकर पिटाई की और उसे घर से निकाल दिया। इसके कुछ दिन बाद पति ने मोबाइल फोन पर कॉल करके उसे तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने बताया कि उनके तीन बच्चे भी हैं। बच्चों को आरोपियों ने अपने पास रख लिया। पीड़िता ने थाने में मामले की लिखित शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने SSP अजय कुमार साहनी को प्रार्थना पत्र दिया। फिलहाल मामले में अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। थाना अध्यक्ष यजुवेंद्र सिंह ने कहा कि अभी मामला उनके संज्ञान में नहीं है, जैसे ही पीड़ित की तहरीर मिलती है तो जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।